30 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में होने वाले रौनिया वैश्य की शताब्दी समारोह और महासम्मेलन के लिए शहर के डीएवी मोड़ ठाकुरबाड़ी धर्मशाला के पास रौनिया वैश्य जागरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अखिल भारतीय रौनिक वैश्य महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राधा प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इसके बाद चैनपुर में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रौनिया समाज के लोगों को इस सम्मेलन में ले जाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजा प्रसाद ने बताया कि रथ सिवान गोपालगंज छपरा के गांव-गांव प्रखंड का भ्रमण करते हुए पटना पहुंचेगी। इस मौके पर शंकर प्रसाद, डॉक्टर धीरज, संजीव कुमार, आशा देवी, नीरज कुमार के साथ कई अन्य लोग उपस्थित रहे। रथ है जो हमारे रौनियार समाज जो है भारत में अन्य समाजों के सामने बहुत पिछड़ा और शोषित है और हमारे समाजों पर बहुत अत्याचार, हिंसा, अपहरण और रंगदारी का हमारा समाज शिकार होता है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इसके लिए एकजुट होके हम लोग अपना मांग रखेंगे, जिसमें हमारा मांग है कि रौनियार जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करो और हमारे राजनीतिक और सत्ता में हिस्सेदारी दो। इसके लिए हम लोग एक सम्मेलन का आयोजन किए हैं, जिसमें रौनियार वैश्य महासम्मेलन का आयोजन 30 दिसंबर 2018 को 11 बजे दिन में बापू सभागार पटना में होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश विदेश से रौनियार प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और वहां हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपने शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। तो नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि का महत्व है, इसलिए हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़े बिना एक चिंता के तो झोंका नहीं। पटना में इसका अखिल भारतीय सम्मेलन रखा गया है, साथ बापू सभागार में उसमें जाना है, अधिक से अधिक संख्या में अपना प्रतिनिधित्व दिखाना है, तब ना हम सरकार जान जाएगी कि रौनियार लोग एक संगठित हो गए हैं, तो उनको उनके द्वारा मांगी गई मांगों को पूरा करें। हम चाहते हैं कि हमारा जाति अधिक पिछड़ा जाति में हो, उसका लाभ हमें मिले। हमको पिछड़ा जाति में रख दिया है सरकार ने, हम अति पिछड़ा जाति में रहना चाहते हैं, हमारी संख्या उतनी है, इसीलिए हम लोग सभागार में, बापू सभागार में जाकर हम लोग अपना एकजुटता दिखाते हैं और हम लोग राजनीति में भाग लेने के लिए भी सक्रिय है। हम लोग को राजनीति में भी प्रतिनिधित्व मिले हमारे जाति के रिश्ता के मुताबिक। शुभ नाम बता दीजिए। नाम बहुत बता। मैं रौनियार समाज के महिला अध्यक्ष हूँ सिवान जिले की, और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में हम लोग की इज्जत और प्रतिष्ठा में, हम लोग के बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं उन लोग का सर्विस मिले और हम लोग के आगे तरफ बढ़ने के लिए समय दिया जाए, इसलिए कि हम लोग को कभी भी पिछड़े जाति से देखा जाता है या हम लोग बड़े जाति भी होकर पिछड़े जाति में गिरे रहते हैं। इससे हम अनुरोध करेंगे कि भाई हम लोग कभी अति पिछड़ा हम लोग बनाया जाए, यानी हम लोग कभी आन सामान बना रहे हैं। शुभ नाम बता दीजिए जी। नाम बता दीजिए। शुभ आशा गुप्ता। हम लोग शोषित वर्ग से आते हैं, हम लोग का कोई सामाजिक समाज में कोई हम लोगों को अहमियत नहीं है, हालांकि हम लोग समाज के एक रीढ़ हैं, लेकिन हम लोग अपेक्षित हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में। क्या रैली के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा? बिल्कुल, अपने हक पाने के लिए तो सरकार पर दबाव बना, एकता के लिए हम लोगों का, जाति एकता के लिए सम्मेलन रखा गया है। सामाजिक शोषित हम लोगों का हो रहा है, शोषण हो रहा है, समाज में किसी प्रकार का हम लोग
अपेक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता। हम अखिल भारतीय रोनियार बैस महासभा द्वारा आयोजित गांधी बापू सभागार में जो हम अधिक से अधिक संख्या में जो है पहुंचने की कोशिश करेंगे, और रोनियार समाज में जो है सबसे पिछड़ा जात है, जो शैक्षणिक रूप से सामाजिक रूप से जो है पिछड़ा है, इसमें जो हम राजनीतिक भागीदारी भी जो है सुनिश्चित जो है करना चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में जो है रोनियार बिरादरी की जो है समाज में एक सम्मान जो है प्राप्त हो। क्या प्रमुख मांगे रहेंगे? प्रमुख मांगों में जो है हमारी जो है जो सामाजिक हमारा जो पिछड़ापन है जो है उसको जो है सम्मान दिया जाए, जो है हमारे जो है बच्चों का जो है शैक्षणिक जो है विकास होना चाहिए, जो है शंभु प्रसाद बोलिए। बिरादरी को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, सरकार से मेरी मांग। ठीक है, नाम बता दीजिए। विजय शंकर प्रसाद।